साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि कौम ने गुज़िश्ता 4 बरस में मुश्किल दौर देखा है। कुछ किरदारों ने चलते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 6ठा इजलास हुआ। पार्टी के टिकट उम्मीदवारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि इजलास के तमाम शुरका का खैर मकदम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग हमारी दावत पर तशरीफ लाए और पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा कि कौम ने गुज़िश्ता 4 बरस में मुश्किल दौर देखा है। हमारे दौर में तरक्की अरूज पर थी। हमारे दौर में माशरती समाजी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और मुल्क में इक्तसादी तरक्की हो रही थी। हमारे दौर में मुआशी बेहतरी का दुनिया भी एतराफ कर रही थी। बानी पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा की विसातत से दायर की गई। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन के पास इस कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया है जो कि गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर की तारीख जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुकर्रर कर रखी है। लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात लेने की दरख्वास्त समाप्त के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 दिसंबर को समाप्त करेगा। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाने के बाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमात और ज़ेर इंक्वायरीज की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। याद रहे कि बुशरा बीबी ने दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमे में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जज अभर गुल ने मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ केस की समाप्त की है। मरियम औरंगजेब के अदालत में पेश होने के बाद वारंट गिरफ्तारी मनसूख हुए। अदालत ने लीगी रहनुमा की बरीयत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से दलाल तलब कर लिए। मल्टीनेशनल जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की मश्क फजरुल शिर्क पंचम इक्तताब पसीर हो गई। पाक फोर्स के शोबे तालुकात आमा के मुताबिक मुश्तरका कसीरुल जहती स्पेशल फोर्सेस की 5वीं मश्क फजरुल शिर्क की इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पीबी में मुनाकिद हुई। मश्क में पाकिस्तान बहरीन इराक और कवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 27 नवंबर 2023 को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पीबी में हुआ। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवेलुएशन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ बतौर मेहमान खसूसी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की।